नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल ने एक और यहां पे कदम उठाया है प्रकृति को शुद्ध बनाने के लिए, वातावरण को सही बनाने के लिए या फिर पोल्यूशन को कम करने के लिए। जी हां दोस्तों, जो नेपाल है वो हमेशा से ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सुंदर कंट्री में से एक है। और इसी के साथ ही यहां पे बड़ा कदम उठाते हुए नेपाल ने ये स्टेप किया है। तो क्या है पूरी खबर, खबर को विस्तार से जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल ने पहले भी देखा था कि यहां पे काठमांडू है जो शहर जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था। और कई बार ऐसी नौबत आ गई थी कि स्कूल्स या फिर कुछ बड़े यहां पे इंडस्ट्रीज बंद करने पड़े थे पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि लोगों को सांस की बीमारी हो रही थी या फिर जो भी यहां पे पॉल्यूशन के कारण बीमारी होती है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी के लिए यहां पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए सबसे पहले यहां पे कदम उठाया नेपाल की गवर्नमेंट ने। चाइना से ई बसेस मंगवाई गई जो कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस होती है, वो पोल्यूशन नहीं करती, इसलिए यहाँ पे लागू किया गया और जो काठमांडू है उस शहर में चलनी भी स्टार्ट हो गई वो बसें। लेकिन फिर देखा गया कि ये चीज़ है वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही है पोल्यूशन को, क्योंकि पोल्यूशन है वो टू व्हीकल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया बाइक भी जो कि ई बाइक था वो लॉन्च किया गया ताकि और पोल्यूशन कम किया जा सके। और इसी के साथ ही अब यहाँ पे नेपाल की सरकार ने सोचा है कि जो लोग रिक्शा का यूज करते हैं क्यों ना हम ई रिक्शा को भी लॉन्च करें। और इसीलिए यहाँ पे नेपाल में शुरू कर दिया गया है क्रांतिकारी ई रिक्शा। अग्नि ग्रुप नेपाल ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर जो कि महिंद्रा ट्रेओ लॉन्च कर रहा है, जो कि उन्नत लिथियम आयन तकनीक द्वारा संचालित है। और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक जो मोबिलेट ने नेपाल में जो ट्रिप लॉन्च किया है वो पहला ट्रिप सक्सेस भी हो गया है। और कंपनी ने देश में जो ट्रेओ सॉफ्ट टॉप संस्करण पेश किया है, इसके लिए यहाँ पे बुकिंग दक्षिण नेपाल के तराई क्षेत्र में चुनिंदा क्षेत्रों में तो हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे इसकी बुकिंग है वो नेपाल के हर एक क्षेत्र में मिलनी शुरू हो जाएगी जहां पे रिक्शा का यूज किया जाता है। महिंद्रा समूह के हिस्से जो कि महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स मेबिलिटिंग लिमिटेड ने मंगलवार को कहा है कि उसने नेपाल में अपना जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है वो लॉन्च कर दिया गया है। और उसमें नेपाल की जो नेपाल में इसकी कीमत है वो लगभग नेपाली रुपए में 8.4 लाख है, और वहीं पे अगर बात करें भारतीय रुपए में तो वो 5.4 लाख रुपए होती है। जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो थ्री व्हीलर है वो पोल्यूशन फ्री है, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। और ये व्हीलर है वो लगभग 60 से अबोव की स्पीड में चलने भी वाला है, जो कि स्पीड भी एक बढ़िया स्पीड है। यानी कि हम अगर बाजार की बात करें तो वहीं पे रिक्शा चलते हैं, और रिक्शा में अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत सामान ढोना हो या फिर सवारी ले जाना हो तो वो सब कुछ चलता है। और बाजार के अंदर हम मैक्सिमम स्पीड 60 से नीचे ही रख सकते हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंग ये सही रिक्शा है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी कैपेसिटी भी है कि अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हो तो लगभग ये 120 किलोमीटर चल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेंज है इसकी। और इतना ज़्यादा यहाँ पे रिक्शा चलता भी नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये जो रिक्शा है वो सक्सेस हो जाएगा नेपाल में। और नेपाल की जो यहाँ पे टीम है उनका मानना है कि अगर ये सक्सेस होता है तो हम इसकी क्वांटिटी और बढ़ा देंगे, जिसके कारण जो देश है उसमें पोल्यूशन कम किया जा सके और एक पोल्यूशन मुक्त नेपाल को बनाया जा सके। क्योंकि प्राचीन काल से ही सुंदर कंट्री है नेपाल, उसे और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके। पर्यटन के जहाँ जहाँ यूजेज होते हैं रिक्शा के, वहाँ पर भी इन रिक्शाओं को यूज़ किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी सोच को दर्शाता है। दोस्तों, नेपाल प्रकृति के बारे में सोच रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। आपके बारे में क्या ख्याल है इसके रिक्शा के, क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।